नमस्कार, आइए कुछ काम की बात करते हैं। देखिए, आज के टाइम पे जो लोग दिखावा करते हैं सोशल मीडिया पे या जहाँ कहीं भी, वो बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं। वो इतना परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता क्या करें, तो वो सोशल मीडिया पे ही कुछ न कुछ करते रहते हैं। पोस्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, और एक दिन वो इतना परेशान हो जाते हैं कि सोशल मीडिया छोड़ करके ही भाग जाते हैं। क्योंकि ये जो दिखावा है वो उनको इतना परेशान कर देता है, वो इरिटेट हो जाते हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम होती है। ये बिल्कुल सच है। तो सोशल मीडिया का यूज़ सिर्फ उतना ही करो जितना ज़रूरी है। हर चीज़ सोशल मीडिया पे दिखाना ज़रूरी नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है, कोई ऐसी चीज़ दिखाओ जो आपने कुछ नया किया है। फालतू की चीज़ें दिखा रहे हो जिससे सबको पता है क्या है ये सब। ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। ये सब ये जो स्थिति है, मानसिक स्थिति, ये ख़राब हो रही है सोशल मीडिया की वजह से। लोग कंफ्यूज्ड हैं, लेटे लेटे लोग मोबाइल चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। मतलब 30 सेकंड, 60 सेकंड की रील्स एक बार वो देखना शुरू कर रहे हैं, घंटों 2 घंटे उसी में बीत जा रहा है। बीमार हो रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो थोड़ा सा अपने हेल्थ के लिए ध्यान दें। मतलब एक बीमारी हो गई है, आप समझो, इसको बीमारी ही कहेंगे सोशल मीडिया की। बहुत लोग इसमें बिल्कुल जकड़ चुके हैं, और आने वाले टाइम पे तो इस पे भी एक कोर्स चलेगा, और उसका भी लोग दिखाने के लिए ले जाएंगे कि भाई देखो ये सोशल मीडिया एडिक्टेड हैं, इनको कैसे छुड़ाया जाए। ये बिल्कुल 100 आने सच बात है, और क्या ही बताऊं। मैं तो देखता हूं तो मुझे बड़ा हंसी आती है कि यार क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? दिन भर तुम सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हो, दूसरे की लाइफ को झांक रहे हो, क्या है ये सब? ये सब बंद होना चाहिए। सब बेकार की बातें हैं, क्या ही है। एक टाइम था हम भी बहुत सोशल मीडिया चलाते थे, सच बता रहा हूँ। जब से मैंने बंद कर दिया, फालतू है मेरे अकाउंट है सोशल मीडिया पे, लेकिन फालतू का काम नहीं करता हूँ मैं। समझ आ गया, तो बाकी लोगों को भी जितनी जल्दी समझ में आ जाए बहुत बढ़िया है।